गाइस वेलकम टू द वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट द वन एंड ओनली द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन आवर कंट्री। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सांची स्तूप की। इस स्ट्रक्चर को सम्राट अशोक द्वारा 3rd century में बनाया गया था, जो कि मौर्य डायनेस्टी के सबसे बड़े एम्परर थे। सम्राट ने स्तूप का निर्माण महादेवी सज्ञा कुमारी के साथ मिलकर कराया था, जो कि उस टाइम में विदिशा के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी बेटी थी, और इन दोनों की शादी भी सांची में ही हुई थी। स्तूप बेसिकली रिलीजियस बुद्ध प्लेस है उसको बोलते हैं, जिसकी जो शेप होती है, जो आकार होता है ना, वो ऊपर से गोल होता है, जिसके अंदर बेसिकली पवित्र बौद्ध अवशेष रखे जाते हैं और जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध को वर्शिप करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने डिसिपल आनंद को बोला था कि मेरी डेथ के बाद मेरे जितने भी अवशेष हैं वो दुनिया के कोने कोने में फैलाए जाएं और वहाँ पर स्तूप का निर्माण किया जाए। 14th century आते आते बेसिकली ये पूरा सा डिस्ट्रॉय हो गया था, सब ख़त्म हो गया था। फिर 1818 में ब्रिटिश का जब रूल चल रहा था हमारे ऊपर, तब वहाँ पे जनरल टेलर करके थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया। इसकी ख़राब हालत को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जनरल मार्शल को ऑर्डर दिए कि इसको वापस से रिफर्बिश करो, रेनोवेट करो और स्ट्रक्चर को वापस से खड़ा करो। तो 7 साल लगातार इस पर काम हुआ है, जो कि 1912 में स्टार्ट होकर 1919 में ख़त्म हुआ और ये स्ट्रक्चर वापस से खड़ा हुआ। ये एक टोटली फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है और इसके आइकॉनिक आर्ट को देखते हुए यूनेस्को ने इसे 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट अनाउंस कर दिया।